नमस्कार मित्रों, आज आप धोरण पांचना हिंदी विषय की सप्टेम्बर महीना एकम कसोटी पेपरन संपूर्ण सोल्यूशन्स जोईशू। जोईए प्रश्न नंबर एक। अ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। एना गुण से पांच। प्रश्न पहलो, तमने अही एक अंक आपेलो छे, को शब्दों में कैसे लिखा जाता है? तो जवाब आवशे बी 45। नंबर बे, नन्हा राही सबको क्या सिखाता है? जवाब आवशे नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाता है। नंबर तीन, चरवाहे के हाथ में क्या है? जवाब आवशे सी लकड़ी। नंबर चार, तीन पहिए वाले यातायात के नाम लिखिए। जवाब आवशे रिक्शा। नंबर पांच, दुनिया की आंखों का तारा कौन है बनेगा? जवाब आवशे दुनिया की आंखों का तारा नन्हा राही बनेगा। प्रश्न एक ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इना गुण से चार। नंबर एक, बाघ ने क्या किया? जवाब आवशे बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। नंबर बे, देश का सिपाही कौन है? जवाब आवशे नन्हा बालक देश का सिपाही है। नंबर तीन, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? जवाब आवशे बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। नंबर चार, फूलों के नाम की सूची बनाइए। जवाब गुलाब, बरमासी, मोगरा, गेंदा, सूरजमुखी, चमेली, गुड़हल, लिली आदि फूल है। प्रश्न बे अ, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इना गुण से तीन। नंबर एक, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? जवाब आवशे रेल का टिकट नई दिल्ली से वडोदरा तक का है। नंबर बे, यह क्या है? जवाब आवशे यह टिकट है। नंबर तीन, बस और रेल के अलावा का कहाँ कहाँ टिकट लगता है? जवाब आवशे बस और रेल के अलावा नाव, दरियाई जहाज और हवाई जहाज में टिकट लगता है। प्रश्न बे ब, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एना गुण से तीन। नंबर एक, मैं देश का सिपाही हूँ, एनु गुजराती थसे हूँ देश नो सैनिक छू। नंबर बे, चित्र में घर पांच है, एनु गुजराती थसे चित्र में पांच घर छे। नंबर तीन, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, एनु अनुवाद थसे दुनिया में क्या पण बॉम्ब पड़शे नहीं। प्रश्न तीन अ, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाचक शब्द लिखिए। एना गुण से चार। पहलू धरती, एनो जवाब आवशे पृथ्वी अथवा धरा। नंबर बे, राही, तो एनो जवाब आवशे मुसाफिर अथवा पंथी। नंबर तीन, दुनिया, तो एनो पर्यायवाची शब्द छे जगत अथवा विश्व। नंबर चार, मंजिल, तो एनो पर्यायवाची शब्द छे लक्ष्य अथवा ध्येय। प्रश्न तीन ब, नीचे दिए गए हिंदी अंक के सामने हिंदी शब्द लिखिए। एना गुण छे चार। नंबर एक, तमने एक अंक आपेलो छे, एनो जवाब आवशे 34। नंबर बे, एक बीजो अंक आपेलो छे, एनो जवाब आवशे 48। नंबर तीन, तमने एक अंक आपेलो छे, तो एनो जवाब आवशे 16। अने नंबर चार, एनो जवाब आवशे 9। प्रश्न चार,
हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। एना गुण से बे, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। थैंक यू मित्रों।